कराची में समंदरी तूफान बाइपर जॉय के खतरे के पेश नजर क्लिफ्टन में समंदर किनारे शाहरा बंद कर दी गई। ट्रैफिक को खयाबान मुजाहिद से सर्विस रोड और विलेज रेस्टोरेंट से खयाबान इत्तेहाद की जानिब मोड़ दिया गया। पाबंदी के बावजूद इतवार को शहरियों की बड़ी तादाद समंदरी तूफान देखने सीव्यू पहुंच गई थी। कोटली आजाद कश्मीर के करीब जायरीन की बस खाई में जा गिरी। हादसे में 9 अफराद जान बहक, 17 जख्मी हो गए। शेखोपुरा में मोटरवे फैसपुर इंटरचेंज के करीब बस उलट गई। हादसे में 4 मुसाफिर जान बहक, 30 से ज्यादा जख्मी। बस कोट अड्डू से लाहौर जा रही थी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर की लापरवाही की वजह से पेश आया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अजलास में शरासूद पर फैसला होगा। इस वक्त पॉलिसी रेट 21% है। इसने सोचा कि 9 मई को मैं अफवाजे पाकिस्तान को झुका लूंगा, मेरी बड़ी वाहवा हो जाएगी। निकला उनको झुकाने के लिए, लेने के देने पड़ गए, वो चाल उल्टी पड़ गई। और आज जिनको झुकाने निकला था, रोज शाम को यूट्यूब पे बैठ के उनसे मुलाकातों की भीख मांग रहा होता है। तो बंदा पूछे, तकब्बर और गरूर का सर नीचा होता है, अब खुदा याद आया। फौज को झुकाने निकला था, लेने के देने पड़ गए। 26 साल में बनाई गई जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई। आज मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है, तकब्बुर करने वाला, अब खुदा याद आने वाला है। मरियम नवाज का शुजाबाद में धुआंधार खिताब, कहा 9 मई का मास्टरमाइंड जमान पार्क में छुपा बैठा है। जो हाथ मुल्क को तोड़ेगा, हम वो हाथ तोड़ देंगे। इंतजार का बाब बंद हुआ, अब नवाज शरीफ आएगा और मुल्क को टेक ऑफ करेगा।